रेखीय संवेग की चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में की। रेखीय संवेग ये भौतिकी की बहुत प्रमुख राशि है, और अगर कोई बाहर से बल न लगे किसी निकाय पे तो ये रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और रेखीय संवेग हम परिभाषित करते हैं द्रव्यमान गुणा वेग, मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम इस डेफिनेशन को यूं ही बरकरार रखना चाहें और रेखीय संवेग के संरक्षण के नियम को भी सभी इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर में बरकरार रखना चाहें, तो हमें सूत्र में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है, जिसका हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर में डेरिवेशन किया था। और लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग जो हम लिखते हैं P बराबर m इंटू वी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ये उस कण का द्रव्यमान फिर नहीं होगा, द्रव्यमान से लगी हुई एक उससे संबंधित एक राशि होगी जिसको हम लोग रिलेटिविस्टिक मास ऐसा कहेंगे, और उसका एक्सप्रेशन होगा m नॉट बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और इंटू वी। इस पूरे को हम रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं। ये उस पार्टिकल का द्रव्यमान है, ये उस कण का द्रव्यमान है, मास है जो घोषित है। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए हम कहते हैं उसका द्रव्यमान कितना होता है, तो कुछ 9.1 × 10⁻³¹ kg होता है, तो वो ये है एम नॉट। लेकिन जब हम उसका लीनियर मोमेंटम लिखें, चलते हुए इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग लिखें, तो सीधा हमने उसके द्रव्यमान को और वेग से गुणा नहीं करके और इससे भाग भी लगाते हैं, तब उसको अगर हम रेखीय संवेग कहें, फिर वो संवेग संरक्षण का नियम सही सही सभी फ्रेमों में चलता है, ऐसा हम लोगों ने देखा था। आज हम चर्चा करेंगे गतिज ऊर्जा की। किसी कण की गतिज ऊर्जा आप लिखते हैं K बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, द्रव्यमान गुना वेलोसिटी स्क्वायर। तो हम लोग ये सूत्र इस्तेमाल करते हैं कब, लो वेलोसिटीज के लिए। जो हम सामान्यतः कणों को देखते हैं उनके लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। कैसे लाते हैं ये सूत्र, हाफ एम वी स्क्वायर क्यों कहते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम किसी कण के ऊपर बल लगाते हैं, उस बल के द्वारा कुछ कार्य होता है, और जितना कार्य होता है वही उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो अगर हम कार्य लिखें बल के द्वारा F इंटू डी एक्स, एक्स दिशा में ही कण चल रहा है ऐसा मान करके चलें, और F इंटू डी एक्स एक छोटे समय अंतराल के अंदर में इतना कार्य हुआ, इसके लिए अगर हम आगे बढ़ाएं इसको, और यही हमारा काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन है डी पी डी टी, एफ का मतलब डी पी डी टी और फिर ये डी एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं डी पी यानि मास इंटू वेलोसिटी, हम सब लो वेलोसिटीज के लिए भी काम कर रहे हैं, और डी टी और फिर ये डी एक्स। ये डी एक्स और ये डी टी को आप वी लिख सकते हैं, लो वेलोसिटीज में मास उसका अपना द्रव्यमान है, उसको बाहर लिख सकते हैं। तो एम, ये एम हमने बाहर लिखा, डी एक्स डी टी के लिए हमने वी लिखा, और ये डी वी बच गया, तो ये डी वी बन। और इसको आप बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर जीरो वेलोसिटी पे काइनेटिक एनर्जी को जीरो कहें, और इसमें हम यहाँ इस एम को कांस्टेंट है बाहर रख लें, वी डी वी, तो जीरो काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जबकि वी जीरो है तो लोअर लिमिट यहाँ जीरो, और वेलोसिटी जब वी हो गई तो काइनेटिक एनर्जी के ऐसा, और बस इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। आपको याद है एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, वी डी वी का वी स्क्वायर बाई टू होगा, फिर उसमें आप लिमिट लगा देंगे, ये वी स्क्वायर बाई टू होगा, इसमें फिर आप लिमिट लगा देंगे जीरो से वी, और तब ये बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर ऐसा।
तो लो वेलोसिटीज के लिए हम इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम हाई वेलोसिटीज जहां इन्वॉल्व्ड हैं, जहां हमें लीनियर मोमेंटम ऐसा वाला एम इंटू वी नहीं लिख सकते हैं, कांस्टेंट मास मान करके नहीं चल सकते हैं, जो उसका द्रव्यमान है उसको हम एम नॉट बोलते हैं और रिलेटिविस्टिक मास को हम वी से गुणा करते हैं, तब उसको हम रेखीय संवेग बनाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के इस सूत्र में भी परिवर्तन होता है। और अगर आप सोच रहे हो कि इस एम की जगह पे हम ये रिलेटिविस्टिक मास रख दें और काइनेटिक एनर्जी का नया एक्सप्रेशन मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है, हमें फिर से इसका सूत्र निकालना पड़ेगा। तो देखिए, हम फिर से वही काम करते हैं। अब हम रिलेटिविस्टिक स्पीड्स की बात कर रहे हैं। हमारा तरीका वही होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। तो हम एक कण लेंगे, एक एक्सिस के ऊपर चल रहा है मानेंगे, और थोड़ी देर में जहां वो dx दूरी चलता है, बाहरी बल अगर F है, तो dk काइनेटिक एनर्जी में चेंज बराबर F dx, वो बिल्कुल सही। F की जगह पे dp dt, ये भी बिल्कुल सही। dx, लेकिन इस p की जगह अब हमें लिखना पड़ेगा डी डी टी, पी की जगह हमें लिखना पड़ेगा ये इतना, एम नॉट वी बाय स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और उसके बाद डी एक्स। ये डी एक्स और ये डी टी मिलकर के आप वी लिख सकते हैं फिर से वी। ये एम नॉट ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं, तो आप यहाँ इसको m नॉट को यहाँ बाहर लिख सकते हैं, और v ये वाला dx dt ये v। अब इसका पूरे का d करना है, अर्थात किसका d करना है हमें, v बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसका हमें d करना है, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसा करेंगे हम, इसके दो हिस्से सोच लीजिए, एक v और दूसरा वन बाई स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और दो फंक्शंस का अगर गुणनफल है और उसको आप डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपको तरीका याद होगा, एक फंक्शन को आप जो का त्यों रखिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर प्लस लगा करके दूसरे को जो का त्यों रखिए और पहले को डिफरेंशिएट कीजिए। तो अर्थात ये है एम नॉट वी, और उसके बाद अब हम इसको वो काम कर रहे हैं। देखिए, पहले हमने इस वी को कॉन्स्टेंट रखा और डिफरेंशिएट किया किसको, वन बाय स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को। उसके बाद हमने इस वन बाई स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको ज्यों का त्यों रखा और डिफरेंशिएट किया v को dv dv dv। तो ऐसा हम इस पूरे में d है, नीचे का dt उधर चला गया है, तो अब ये v में आएगा सारा, तो इसलिए ये dv, इस v को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dv, डिफरेंशियल लिख रहे हैं v का, जैसे k के लिए हमने डिफरेंशियल लिखा dk, चेंज इन k, वैसे ही v का डिफरेंशियल है dv, चेंज इन v। इसको थोड़ा हल करें, इसको हल करें, डिफरेंशिएट करते हैं जैसे एग्जैक्टली उसी तरह से, ये वी यहां पर है, ये वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पे पावर माइनस हाफ है, ये वन बाई स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यानी इसका पावर माइनस हाफ। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले इस पावर वाले को डिफरेंशिएट करना है, तो माइनस हाफ बाहर और फिर एक घटा करके, ध्यान है आपको, जब हम x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं x की अपेक्षा, तो n x n माइनस वन लिखते हैं, उसी प्रकार से माइनस हाफ, तो हम लिख रहे हैं अब माइनस हाफ, और जैसे x पे पावर, तो यहाँ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पे पावर, कितना पावर, n माइनस वन, तो माइनस हाफ माइनस वन,
यानी -3/2। ये डिफरेंशिएशन हुआ इसकी अपेक्षा, 1 - v² / c² की अपेक्षा। जैसे ये x की अपेक्षा है वैसे ही ये इतने की अपेक्षा डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको इसके डिफरेंशियल से और गुणा करना पड़ेगा, तो 1 का 0, माइनस का माइनस, और 1/c² कांस्टेंट है बाहर होगा, और वी स्क्वायर को जब करेंगे तो क्या बनेगा, 2v और dv, तो यानी -2v dv/c². ठीक है, जब हम फंक्शन का फंक्शन हो गया ये, तो पहले इसकी अपेक्षा डिफरेंशिएट किया ये सूत्र का इस्तेमाल करके, तो ये बना इतना, और उसके बाद फिर हमने इसका इस्तेमाल किया, इसको डिफरेंशिएट करना है वी की अपेक्षा, तो इसका 0 हुआ, वो 2v बना / c², तो 2v / c², और फिर वी का डिफरेंशियल dv, ऐसा बना ये वी इंटू ये इतना। ये वाला पार्ट हो गया प्लस 1/√(1 - v²/c² और तब यहां पे dv, और m0v सबके बाहर है, ये m0v सबके बाहर है। अब इसको हल करना है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन काफी सरल अलजेब्रा है ये, तो इसको हम देखते हैं कि अब इसका क्या होता है। तो इसको लिखें बराबर m0v, और ये इस माइनस और इस माइनस को आप गुणा कर देंगे प्लस हो जाएगा, इस 2 से ये 2 आप काट सकते हैं, dv हम बाहर लिखने वाले हैं ब्रैकेट के, तो ये v और गुना ये v मिलके v² / c², उसको हम लिख लें v² / c², और उसका बटा 1 - v² / c² पे -3/2 है, नीचे ले जाके लिखेंगे तो +3/2 लिखेंगे, 1 - v² / c² और power 3/2, और फिर यहाँ पे +1/(1 - v² / c² इसका वर्गमूल, इसका स्क्वायर रूट power½ ऐसा, और ये dv। अब इसका लघुत्तम लेकर के इसको थोड़ा हल कर ले, बराबर m0v और नीचे यहां पर बनाए 1 - v² / c² power 3/2। यहां तो v² / c² सीधा, और यहां देखे ये power½ है, यहां power 3/2 है, तो इससे अगर इसमें भाग लगाएंगे तो सिर्फ मिलेगा 1 - v² / c², तो अर्थात ये हो जाएगा यहां 1 - v² / c² dv ऐसा। ये हमने पहले इन दोनों का एलसीएम लिया, इससे भाग लगाया, इससे गुना किया, यहां लिखा इससे भाग लगाया तो 1, इससे गुना किया तो ये इतना, इससे भाग लगाया और उसके बाद इस 1 से गुना किया तो इतना dv, और ये v² / c² इसके साथ में कैंसिल, तो क्या मिला m0 v, ये यहाँ 1 हो गया है, dv/(1 - v² / c² power 3/2। याद रखिए क्या निकाल रहे हैं हम, ये सारा हम लोग काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल रहे हैं, f(dx) उसी का पूरा का ये खोला है हमने, dk ये है dk, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर इतना। अब इसको इंटेग्रेट करना है, इसको इंटेग्रेट करना है k काइनेटिक एनर्जी, जब स्पीड v हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो, तो 0 से k dk बराबर m0 इंटेग्रेशन v dv 1 - v² / c² लिमिट्स, k 0 है जिस समय, v 0 है, k है, v है, तो ये इसके लिमिट्स हो गए।
और ये इंटेग्रेशन करना है। ये इंटेग्रेशन भी आसान है, ये इंटेग्रेशन भी आसान है, पावर 3/2, पावर 3/2, ये पावर 3/2। तो ये इंटेग्रेशन भी आसान है, आप इस 1 - v² / c² की जगह एक नया फंक्शन लिख लें w² और इसका डिफरेंशियल्स लिखें, तो 1 - v² / 2vdv और बटा ये c², ये बराबर, इसको डिफरेंशियल लिखेंगे तो 2w dw, ऐसा। इस 2 से आप इस 2 को कैंसिल कर लीजिए, vdv बराबर ये माइनस और c² ऊपर -c² wdw, और यहां रख दीजिए और लिमिट्स भी देख लीजिए। जिस समय ये v बराबर जब जीरो होता है at v = 0, तो w का क्या होता है, v बराबर जब जीरो होगा तो आप यहां v = 0 लिख दें और क्या मिलेगा, 1 = w² अर्थात w = 1। तो w = 1, ये इसके w के लिमिट्स हैं। अब इसको आए यहां पर आए, के बराबर काइनेटिक एनर्जी, के बराबर m0 इंटेग्रेशन vdv की जगह -c² wdw, ये vdv लिख दिया। अब नीचे आइए, 1 - v² / c², इसकी जगह पे w² और w² के ऊपर पावर 3/2, तो ये बनेगा w³, तो नीचे में w³ अर्थात c² को बाहर कर लें, m0 c² इंटेग्रेशन dw ऊपर और -1/w² ऐसा। और w के क्या लिमिट्स होंगे, v के लिमिट है 0 से v तक, और जब v 0 होता है तो w 1 होता है, अर्थात यहां पर 1 और यहां पर w। और -1/w² dw, ये इंटीग्रेशन है 1/w, आपको याद होगा अगर आप 1/x को डिफरेंशिएट कर दें तो ये होता है -1/x² तो -1/x² को इंटीग्रेट करने से 1/x होता है, -1/w² को इंटीग्रेट करेंगे तो 1/w बनेगा, अर्थात ये है m0 c² 1/w, और इसका लिमिट, इसका लिमिट 1 यहां और w यहां, अर्थात m0 c² ऊपर का लिमिट रखिए 1/w और माइनस नीचे का लिमिट लिखिए w = 1, तो 1 अर्थात m0 c² 1/w। w किसको बोला था हमने, यहाँ देखें w² इसको बोला था, w अर्थात इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल, सो 1/w अर्थात 1/√1 - v² / c² और -1। ये है k का एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी, एक कण अगर v स्पीड से चल रहा हो तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी, क्या उसकी गतिज ऊर्जा ये इतनी, ये है एक्सप्रेशन गतिज ऊर्जा का जब हम रिलेटिविटी की बात करते हैं, जब वेलोसिटीज बहुत बड़ी हो जाती है। और लो वेलोसिटीज में क्या होना चाहिए, हमें पता है ½mv² होना चाहिए, m0 v², क्योंकि हमारा अब यहां द्रव्यमान m0 है। ये देखने में बड़ा विचित्र सा लगता है, लेकिन हाँ अगर आप लो वेलोसिटीज में जाओ तो ये सचमुच ½mv² होता है, तो हम उसको देखते हैं।
काइनेटिक एनर्जी के बराबर एम नॉट सी स्क्वायर और फिर 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर और माइनस 1। अगर v बराबर 0 रख दे तो ये 1 और माइनस 1 बराबर 0, काइनेटिक एनर्जी बराबर 0। वो तो ठीक है, वहीं से तो हमने शुरुआत ही की थी। लो वेलोसिटीज के लिए भी सही है, हाई वेलोसिटीज के लिए भी सही है। हाफ एम वी स्क्वायर हम कैसे प्राप्त करेंगे? v को 0 तो नहीं लेना है, उससे थोड़ा अधिक लेना है, स्मॉल, मच स्मॉलर देन c, लेकिन 0 लेंगे तो भी रिजल्ट सही है, बट हाफ एम वी स्क्वायर तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। v मच मच लेस देन c, इसके लिए अगर लिखते हैं तो अब इसको, इस एक्सप्रेशन को देखिए, 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसको देखिए, और माइनस 1 इसको भी देख लीजिए। ये इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और पावर माइनस हाफ, स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ, और नीचे है और हम न्यूमरेटर में लिख रहे हैं तो ये पावर माइनस हाफ और माइनस 1। और याद होगा आपको, हमने पहले के किसी क्लास में चर्चा की थी, इसको आप अगर वी बहुत छोटा हो सी से तो इसको आप, ये जो पावर है यहाँ पे, इसको आप यहाँ ला के गुणा कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स पे पावर एन, दिस इज 1 प्लस एन एक्स ऑलमोस्ट, अगर एक्स एक से बहुत छोटा हो तो यहाँ पर वही चीज़ है, तो इस माइनस हाफ से आप यहाँ गुणा कर दें तो 1 माइनस ये माइनस हाफ यहाँ और फिर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और माइनस 1। अब क्या बना, इस 1 से और इस माइनस 1 को आप काट सकते हैं और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाते और फिर हमारे पास में बचता है 1 बाई 2 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसका मान इतना है लो वेलोसिटीज के लिए। और k को लिखें अब एम नॉट सी स्क्वायर और गुना ये पूरा, और ये पूरा का मतलब ये पूरा हाफ वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और आप देख रहे हैं ये हो गया हाफ एम नॉट इंटू वी स्क्वायर, जो हमें नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड्स के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन था वो एक्सप्रेशन हमें प्राप्त हो गया। ऐसा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन रिलेटिविस्टिक स्पीड्स के लिए लिखा जाता है। गतिज ऊर्जा के इस एक्सप्रेशन को फिर से देखें, इसको ब्रैकेट अगर मैं खोल दूं, एम नॉट सी स्क्वायर से अंदर गुना कर दूं दोनों टर्म्स में, तो एम नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये है रिलेटिविस्टिक मास एम सी स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं, के बराबर एम सी स्क्वायर, जहाँ एम हम लिख रहे हैं एम नॉट डिवाइडेड बाई इसके लिए, और माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ऐसा। तो कैसा लग रहा है, एम नॉट सी स्क्वायर को हर बार हमें घटाना पड़ रहा है, कहाँ से, एम सी स्क्वायर से। और एम सी स्क्वायर को अगर आप देखते हैं, एम ये है एम नॉट डिवाइडेड बाई इतना, जब v बराबर 0 होता है तो ये खुद एम नॉट सी स्क्वायर होता है, और उसके बाद फिर और बढ़ता जाता है तो इसको आप ऐसे लिखें, ये एम सी स्क्वायर बराबर k प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। जो गतिज ऊर्जा है उसमें ये जोड़ा जा रहा है एम नॉट सी स्क्वायर, जो उस कण के लिए हमेशा स्थिर है, उसका अपना एक द्रव्यमान है, रेस्ट मास है, और उसके अनुसार एम नॉट सी स्क्वायर है, ये फिक्स्ड क्वांटिटी है उस कण के लिए, कण के चलने से उसको कोई संबंध नहीं है। चलने के कारण से जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो ये है, और उनको जोड़ करके ये कुछ मिल रहा है, तो इसको कहते हैं कुल ऊर्जा।
इसको कहते हैं कुल ऊर्जा, ये तो अपनी गतिज ऊर्जा है ही, और ये जो एम नॉट सी स्क्वायर है इसको कहते हैं रेस्ट मास एनर्जी या विराम द्रव्यमान ऊर्जा। रेस्ट मास एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, तो यानी हम लोग रिलेटिविटी में जब पार्टिकल स्थिर रहता है उस समय भी उसकी ऊर्जा की बात करते हैं, जिसको कि हम रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं। जब वो रेस्ट में है उस समय उसकी इतनी ऊर्जा है और वो एम नॉट सी स्क्वायर है। गति के कारण से उसमें अतिरिक्त ऊर्जा और जाती है, तब वो कुल मिलाकर टोटल ऊर्जा, कुल ऊर्जा, इसकी भी हम लोग कल्पना करते हैं। और इसको हम लोग कैपिटल ई अगर लिखें कुल ऊर्जा को, तो कैपिटल ई अर्थात एम सी स्क्वायर। ये है वो फेमस इक्वेशन, फेमस आइंस्टीन का इक्वेशन, जो एक स्लोगन की तरह इस्तेमाल होता है। बहुत बार आपने देखा होगा लोग टी शर्ट्स वगैरह पर या पोस्टर्स में या साइंस की जो किताबें होती हैं उसके फ्रंट पेज के ऊपर, जो उसका कवर पेज बनाते हैं उस पर ऐसे सब कुछ लिखा रहता है। तो ये है इसका मतलब, ये टोटल एनर्जी है ई, और एम जो है वो रिलेटिविस्टिक मास है। रिलेटिविस्टिक मास एम नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और तब ये ई बराबर एम सी स्क्वायर है। तो इस ढंग से इसको सोचेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी इज टोटल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी इज रिलेटिविस्टिक मास इंटू सी स्क्वायर।